नमस्कार, कथा पटल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के अंक में लाई हूँ मनु भंडारी जी की कहानी यही सच है। दो शहर और दो प्रेमियों के बीच डोलती उलझन में फंसी इस नायिका के माध्यम से स्त्री मनोविज्ञान को बहुत सहजता से दर्शाया गया है। 1966 में प्रकाशित इस कहानी पर 1974 में एक फिल्म भी बनी, जिसे लोगों ने खूब सराहा, पसंद किया। विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर द्वारा अभिनीत इस फिल्म का नाम था रजनीगंधा, जिसके गीत आज भी लोकप्रिय हैं। वैसे भी वासु जी की फिल्में परंपरागत सिनेमा से अलग होती थीं। तो आइए सुने ये कहानी यही सच है। कहानी कानपुर और कलकत्ता के बीच फैली हुई है। पहला अंक कानपुर से शुरू होता है। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर यह कोई आज ही की बात है? संजय हमेशा अपने बताए हुए समय से घंटे दो घंटे देरी करके आता है और मैं हूं कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूं। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है? थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात मैं उसे कैसे समझाऊं? मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूं, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही हैं। यो तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी? खट खट खट, वही परिचित पदध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ थोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं, पर कुछ कह नहीं पाती। एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है, हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखलाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता।
फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल ना रहे तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से आतुर थी, इस गुस्सेबाजी में न जाने कैसे भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी भी दिन मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कुछ याद करते हुए संजय पूछता है, कहाँ से? कलकत्ता से। और एकाएक उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही आवेश में आकर उसने कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों, मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। तो क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन उब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक मुझे लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती हूँ, देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, तुम भी एक मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, इंटरव्यू के नाम से डर लगता है क्यों? फिर समझाता हुआ कहता है, देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, वहां किसी जान पहचान वाले आदमी से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, इरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती, अब उन लोगों की जान पहचान हो तो बात दूसरी है। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, और किसी को नहीं जानती? निशीत भी तो वही है ना? होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम भन्नाकर जवाब देती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात करेगा। वह छेड़ने के लहजे में कहता है, कुछ नहीं करना, और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, हजार बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो, और इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रखता है और मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, नहीं हमें पसंद नहीं है बेशर्मी। और सच, रास्ते में मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आँखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को निहारती रहती हैं। जाने क्यों, अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आँखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं। और मैं अपने को यूं असंख्य आँखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से लजा जाती हूँ। मैंने संजय को एक बार ये बात बताई थी तो वह खूब हंसा था,
और फिर कहा कि मैं पागल हूं, निरी मूर्खा। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल हूं। मैं जानती हूं संजय का मन निशीत को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीत से नफरत करती हूं, उसकी याद से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। जिस वेग से आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आहों आंसुओं सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है, और तब एकाएक इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीत को भूल गई, मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशीत की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है, मेरे कुछ कहने पर खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर जानती हूं वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूं और वह अपने ऑफिस की बातें करता है। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं, हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब, कैसे समझाऊं कि निशीत ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूं। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया का तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा, विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो, यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यो आत्मसमर्पण करती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं? विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीत का प्यात्र तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, डर लग रहा है। कैसे क्या होगा, मान लो इंटरव्यू में नर्वस हो गई। संजय को कह रही हूं कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूं तो संजय सोचता है मुझमें बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूं कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहां रहने लगी हूं। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ,
आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है। उफ, तुझे ना देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुंचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी इस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ, उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाजों को देखती हूँ। उसके बाद ही बहुत भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतें और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है, और इस सबके बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ यह कलकत्ता, मैंने तो आज तक इतने बड़े शहर देखे ही नहीं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों ईरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर, हम जैसे डरे तो कोई बात भी है? जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है और अचानक मुझे वहां निशीत दिखाई पड़ता है। मैं सकपका कर नजर घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुंचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? कहाँ ठहरी हो? जवाब ईरा देती है, मैं देख रही हूँ निशीत बहुत बदल गया है, उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्या शौक चल रहा है? उसका रंग स्याह पड़ गया है, दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। पूरे 3 साल बाद निशीत का यो मिलना, न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशीत, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा इसे? कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया, उपहास का पात्र बनाकर। ओह, मैंने उसे पहचानने से इनकार क्यों नहीं कर दिया? मैंने क्यों नहीं कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं? जरा उसका खिसियाना तो देखती, कल भी आएगा। साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। अच्छा है, आए कल, उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ, और यह भी बता दूंगी कि पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उसे घृणा करती हूँ और जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीत ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे मुझे क्या, क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, कितना कहा था तुमसे कि मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए, और इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशीत सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहां तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। मेरे काम में वह इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है?
कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से स्पष्ट कर दूंगी कि मेरे पास न आए। 9:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर वह टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। वह तो समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं चाह कर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार नहीं कर पाती थी तो नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक बार भी बात नहीं की। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चली थी कि यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है। मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो मैं चलता हूँ। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं और वह लौट पड़ता है, और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है, संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं हैं तो बड़ा सुना सुना सा लग रहा है। तो दोस्तों, कानपुर से कलकत्ता आकर, नई जॉब में आकर, संजय से दूर होते ही क्या दीपा अपने अतीत में लौटना चाहती है? क्या निशीथ में वह अपना भविष्य देख रही है? संजय का क्या होगा? यह जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्दी। और हाँ, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत